अरमान भाई जिन्होंने पूरनपुर रेलवे स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अरमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के इस वीडियो में मैलानी सागर के बीच में जो पूरनपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो गया है उसका एक छोटा सा अपडेट लेकर आए हैं। वायरिंग का काम शुरू हो गया है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो काफ़ी पहले से ही शुरू था, सामने देख सकते हैं। कर्मचारियों के लिए जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है, यानी कि उनके लिए भवन, रूम वगैरह। ख़ास तौर से जो आपका यहाँ पर TSS बनना है क्रॉसिंग के आगे, उसके लिए आगे देख सकते हैं OHE के साथ में यहाँ पर जो कैंपेन कोच है उसके द्वारा वायरिंग का काम शुरू किया जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए सिंगल वायर अभी लगाया गया है तो वायरिंग की शुरुआत हो गई है। ये एक बड़ी खबर है पीलीभीत सागर रूट पर, खास तौर से पूरनपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है ये वायरिंग का काम। और अब ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तक सागर रेलवे स्टेशन पर भी जो वायरिंग का काम है वो पहुंच जाएगा। तो जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं पीलीभीत की दिशा से एक छोटी सी झलक वायरिंग के काम को। और बात करें अगर ट्रेन के संचालन के बारे में तो अभी ट्रेन का संचालन होना मुश्किल ही लग रहा है, कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही है। आप ये मान के चल सकते हैं कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अगर पूरा भी हो जाता है सागर तक तो उसके बाद भी कुछ उम्मीद नहीं बन रही है, क्योंकि मैलानी के आगे जो आपका डिवीज़न है वो बदल जाता है इज्जत नगर डिवीज़न। और पहले से ही एक प्रस्ताव बना हुआ है कि एक ट्रेन 050, 85 और 86 इसका विस्तार सागर तक किया जा सकता है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए यूटिलिटी व्हीकल मशीन के द्वारा इसको शिफ्ट किया जा रहा है। पहले मैं बोल रहा था OHE वैन के द्वारा, और वायर के बंडल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आप लोगों के लिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन से। और जैसे ही सागर तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी वायरिंग का काम कंप्लीट होगा तो उम्मीद यहीं की जा रही है कि मैलानी की दिशा से जो फाइनल टच होने का काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो आपका कुरैया है वहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब में हिस्सा बचा हुआ है वायरिंग का, NOC की वजह से, जैसा मैलानी बांकेगंज के बीच में था। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा तैयार कर लिया गया है, ये देखिए। तो भवन तैयार है, स्लेब भी पड़ चुकी है, ये देखिए। इसका भी एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।